नमस्कार। आजकल हमारे जीवन में कई तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं जो हमारी सेहत और कंफर्ट को प्रभावित करते हैं। आजकल लोग ज़्यादा समय बैठने और खड़े होने की वजह से पैरों के दर्द से परेशान होते हैं। ये पैरों पर होने वाले अधिक स्ट्रेस और प्रेशर का नतीजा है जो अक्सर वजन बढ़ने और लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहने से होता है। पैरों के दर्द के साथ सूजन, क्रैम्प्स और अलग अलग प्रकार की तकलीफें हो सकती है जो हमारी दिनचर्या को बिगाड़ देती है। लेकिन आपको पैरों के दर्द से रिलीफ पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप दवाओं पर, मेडिकेशन पे ही निर्भर रहें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताऊंगी जो आप घर पर ही आसानी से अपना सकते हैं। इन उपायों से ना सिर्फ तुरंत राहत मिलेगी बल्कि आपके पैरों की सेहत को भी सुधारने में मदद मिलेगी। पहला उपाय है सॉल्ट वाटर बाथ। नमक दर्द को कम करने के लिए जाना जाता है और ये मसल्स के दर्द को आराम देने के लिए वास्तव में प्रभावी हो सकता है। सूजन और दर्द कम करने के लिए ऐसा स्नान तुरंत राहत देता है। सॉल्ट वाटर बाथ लेने के लिए एक बाल्टी में गर्म पानी भरें, एक कप उसमें सी सॉल्ट डालें और अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक भिगोए रखें। जब भी आपको पैरों में दर्द हो आप ये उपाय कर सकते हैं। एक और उपाय है, पैरों को तेल से मालिश करने की बजाय आप अपनी उंगलियों के प्रेशर पॉइंट्स को तेल से मालिश करें। साथ ही आप अपने पैरों को घुटने से नीचे और ऊपर की ओर दबाएं। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। दूसरा उपाय है इन्वर्टेड वॉल स्ट्रेचेस। सबसे पहले आप जमीन पर लेट जाएं और अपने सांस पर ध्यान दें, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को दीवार पर इस तरह से उठाएं जिससे कि आपकी हील से बटक तक वॉल पर पूरी तरह से खिंचाई हुई है। इस उल्टी स्थिति में 10 मिनट के लिए जरूर रहें। इससे आपके पैरों को अच्छा आराम मिलेगा। आप अपने पैरों को इसी स्थिति में विभिन्न तरीके से मोड़ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सीधा ना करें और अपने पैरों के संकेतों पर ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि आपकी स्पाइन सीधी है। ये स्थिति दर्द को शांत करती है और आपके शरीर के निचले के हिस्से के ब्लड फ्लो को बढ़ावा देती है। ये पीठ और पेल्विक के दबाव को भी कम करने में मदद मिलती है क्योंकि उस क्षेत्र में भी एक्सरसाइज हो जाती है। इससे जरूर करें और अपने शरीर के नीचे के हिस्से की देखभाल जरूर करें। इन सब के अलावा अपने वजन पर ध्यान दें। वजन पर कंट्रोल करना और रेगुलर वॉकिंग, चलना बहुत जरूरी है। इसी के साथ समय पर खाना जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आपका वजन ना बढ़े अन्यथा आपके पैरों में फिर से दर्द आ जाएगा। ये टेक्निक निश्चित रूप से आपको तुरंत राहत दे सकती है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि दर्द का कारण क्या है। अपने मन को स्ट्रेस से फ्री रखें, अपने आप के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर मन में टेंशन है तो वो शरीर के किसी भी एरिया को प्रभावित करेगा, विशेषतर उस एरिया को जो अत्यधिक उपयोग में है। जब किसी एरिया का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा तो भी प्रेशर बढ़ता है और नुकसान होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि जरा जागरूक बने, जीवन को आनंद रूप से महसूस करें, हर पल का आनंद लें और अपने जीवन में एक्टिव रहें। तब आप पाएंगे कि आप दर्द और पीड़ा से फ्री हुए हैं। अपने आप पर ध्यान दें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। शुभमस्तु। नमस्कार।